इस कारण से सतीश फॉर्म के लोग, सर्व जाति के लोग विदलित हैं, आक्रोशित और आक्रोशित हैं। इसलिए सब लोगों ने ये तय किया कि 18 तारीख को रविवार को 11 बजे एक विशाल रैली, वो रैली काला दिवस के रूप में जाएगी और काले झंडे होंगे और जो लोग कपड़े भी अधिकतर लोग अपने टी शर्ट शर्ट जो भी हैं काले पहन के आएंगे और काला दिवस के रूप में 18 तारीख को बहुत विशाल प्रदर्शन होगा और उग्र प्रदर्शन होगा। जब कभी भी कब्र का बांध टूटता है तो फिर उसका क्या परिणाम होता है वो सरकार स्वयं भुगतने के लिए तैयार रहे और कानून व्यवस्था बिगड़ती है और उसके परिणाम भी कुछ भी होते हैं तो वो जिम्मेवारी सरकार की होती है। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो समय रहते पीड़ित परिवारों की मदद करें और मदद अगर वो नहीं करें तो फिर आंदोलन की और इस चेतावनी देने को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अभी ये जो आंदोलन हो रहा है ये हिंसा रैली हो रही है, इसमें राजस्थान भर से भी और हिंदुस्तान से भी लोग सभी सर्व जाति के लोग भी आ रहे हैं, सर्व जाति के नेता आ रहे हैं, सभी पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी आ रही है। तो आप देखोगे कि बीकानेर साइड से आदरणीय देवी सिंह जी भाजी साहब ने कहा है कि 500 गाड़ी लेके आ रहा है, तो राष्ट्रीय गणित सेना के लोग सारे पूरे राजस्थान भर के हिंदुस्तान भर के लोग आ रहे हैं, वैसे ही भी आरएलपी वाले सर सब आ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ आ रही हैं। ये बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा। हम दासों की राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन परिवार जन ने कहा कि 32 मौतें हो गई है, ऐसे में उन सबको न्याय मिले इसलिए परिवारजनों ने ये रोकी है। अब हम ये फैसला करेंगे सब बैठ करके कि ये जो लाश यहाँ है मोर्च है इसको रोका जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसकी ताकत है सर्व जातियों में कि वो आंदोलन को विशाल रूप देंगे। कल बहुत बड़ी रैली होगी और रैली के बाद पूरे राजस्थान में आंदोलन खड़े होंगे, सभी जगह रैलियाँ निकलेगी, ज्ञापन देंगे और ये कह रहे हैं सरकार को कि कल रैली होने के बाद में राजस्थान के अंदर जयपुर से ही सरकार बाहर नहीं आएगी, एक मंत्री को बाहर जाने देंगे नहीं। और अगर यार जो कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है उस यात्रा को भी हम ब्रेक करेंगे, उस यात्रा को भी रोकने का काम करेंगे। ठीक।